व्हाट्सअप। ये कैसी भाषा है? चरण स्पर्श नहीं कर सकते तो कम से कम जय श्री कृष्ण या जयराम जी की ही बोल दो। ओहो मॉम, आप भी ना। अरे एग्जाम आने वाले और मुझे तो सिलेबस ही नहीं पता। चलो पलक से पूछता हूँ। अरे मधुर का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ मधुर, तुमने फोन किया, कोई काम है क्या? हे पलक, प्लीज सिलेबस सेंड कर देना। सिलेबस? अभी अभी तक तुमने पढ़ना भी शुरू नहीं किया। टेंशन किस बात की, एग्जाम ऑनलाइन ही तो है। एग्जाम्स ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है महाशय। क्या? अरे मधुर, क्या हुआ, तुम्हारा सिलेबस हो गया? कैसी चल रही एग्जाम की तैयारी? अरे मम्मी जी, समुद्र जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना लिख पाते हैं, टुल्लू पर नंबर आते हैं और उसी में डूबकर मर जाते हैं। ज्यादा मोबाइल की भाषा मत बोलो, पढ़ाई शुरू कर दो। यदि कम अंक आए ना तो पापा की मार खानी पड़ेगी। वाह क्या वीडियो है, मजा आ गया। ये गेमर भी कितने अच्छे वीडियो बनाते हैं। सुमित जरा सुनो, इधर आओ। अरे रुक रुक रुक, मार मार मार, बचाना बच के। अरे यार, समेत सुना नहीं क्या? अरे मैं कैसे भूल गया, आज तो फादर्स डे है, मेरे को पिक ढूंढ दो पापा के साथ, इंस्टा पर पोस्ट करनी है। समेत जरा इधर आके एक प्रिंट आउट निकालने में मेरी मदद कर दो। इतनी देर से पापा तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ। ओहो तुमने सुना? हाँ तो तुम ही जाओ, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। बेटा कब से बुला रहा हूँ, प्रिंटर में कुछ प्रॉब्लम है, जरा इधर आके मेरी प्रिंट आउट निकालने में मेरी मदद कर दो। अरे पापा आप भी बताइए क्या हुआ। अरे पापा थोड़ा तो चेक करते, देखो ये तार निकला हुआ था। ये लीजिए आपका प्रिंट आउट। अच्छा एक पिक क्लिक करवा कर जाइए, आज फादर्स डे है। बेटा आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। बिल्कुल मम्मी, अब तैयार हो जाइए, मैं कुछ जरूरी मैसेज चेक कर लेती हूँ। बेटा चलो, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। आप थोड़ी देर आराम तो करिए, मैं आती हूँ। अरे रोहन की मम्मी की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भी है, तभी रोहन कल स्कूल नहीं आया और मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। ये भी ना, एक मैसेज ही कर देती हूँ, वरना क्या सोचेगा कि बीमार मम्मी की तबीयत भी नहीं पूछी। ठीक है बेटा। बेटा तुम फ्री हो गए क्या? अरे मम्मी, सोशल लाइफ नाम की कोई चीज है या नहीं? हम समाज में रहते हैं, इसलिए दूसरों के सुख दुख में उनका साथ देना हमारा फर्ज है। इसलिए रोहन को मैसेज करी थी, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं? ओहो नहीं, फिर तो तुम्हें उसके दुख में भी शामिल होना चाहिए। वेरी गुड बेटा।